यहाँ पर दो बार चैंपियन हुआ है और एक बार चैंपियन संतुष्ट हुआ है और ये फिर से ये उनका चौथा पार्टिसिपेंट मुकाबला है। तो कहीं ना कहीं अभी तक इस मुकाबला में अपना दमखम दिखा चुके हैं युवा खिलाड़ी भी है जहाँ पर प्रेम कुमार के जबरदस्त शॉट के द्वारा एक स्कोर गेंद फिर से रन बना के लिए आसान बन सकता है और बहुत ही खराब शॉट बहुत ही खराब शॉट बिल्कुल एक ही खिलाड़ी बचे थे कहीं पर भी मार के क्या मार देने तो गोल स्कोर हो सकता था लेकिन चुप हुआ खाली देख जा रे टेंशन नी लावा के जा रे टेंशन लागसी ना रे बाबू बेटा सही गोला रे कमेंट्री कर के इस बार दूसरा गोल का मौका बन चुका है मेरे को गुस्सा लग रही है गुडी टीम रोटा कहतिले जीतू के पास उनके भाई जीतू के पास मगर देख टाकर टीम रो पिला ना ना कहची ना ने उनके टेंशन ना लावा इतना वो काटलता हुआ खतरा जो बना था दोस्तों ने का बना आर तो बसी दी जितना शुरू से हटता हुआ ये खतरा मारी मार दी दबाव में दिखाई देते हुए रन बनाते हुए खिलाड़ी यह बिल्कुल पूरी तरह से दबाव है क्योंकि अनुभव टीम है लेकिन उनके पास जो अटैकर खिलाड़ी हो थोड़ा सा इतना फुर्तीले नजर नहीं आए इसके लिए जाने जाते हैं रानी मुंडा के खिलाड़ी और इस बार फिर से मौका बनाते हुए दबाव पूरी तरह से जिस तरीके से खेल का प्रदर्शन दिखाते हुए बड़े टीम खिलाड़ी कोई कह भी नहीं पाएगा कि ये युवा खिलाड़ी है कोई नए खिलाड़ी है तो आज पहली बार मैदान में दिखाई दे रहे हैं। उस तरीके का खिलाड़ी भी रानी मुंडा टीम को ये इस तरीके से धमाका रख रहा है तो ये सोचने वाला है कि किस आरे गेंद को निकाला गया बाबा दिशाहीन और गेंद का दबाव ये उसे उस पार और वो किक करेंगे रानी मुंडा। जी हां बहुत ही अच्छा शॉट लगा था लेकिन दिशाहीन शॉट था और फिर से बैकिंग करेंगे रानी मुंडा के खिलाड़ी और प्रेम कुमार बात करें जी हाँ जो बॉलर के गोलकीपर रही थे सबसे पुराने सबसे गोल खिलाड़ी सबसे प्योर खिलाड़ी कुछ बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर है देखने को मिला कालिया की तरफ से बहुत ही शानदार अंतरराष्ट्रीय खेल में लगा के ग्राउंड में इस प्रकार का दर्शक का माहौल है इस प्रकार का खेल का परिचालन है वही देखने को मिला।